में हम आपको जो बताने वाले हैं वो है एप्लाइड एनाटॉमी के अंतर्गत, उसके पार्ट बताएंगे, स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे, ग्लैंड के बारे में चर्चा होगी, फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा में इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिविटिस। वैसे कंजक्टिविटिस मतलब ये होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा, एक्सपेंड हुआ है आपका कंजक्टाइवा, वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और क्लाइमेटिकल एक डिजीज होता है, क्लाइमेटिकल से भी कंजक्टाइवा हो सकता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा में हो सकता है, वायरस से भी कंजक्टिविटिस हो सकता है, वायरस से भी, और ग्रेनुलोमेटस एक डिजीज है, और एलर्जिक कंजक्टिविटिस भी होती है, मतलब इन्फ्लामेशन होता है कंजक्टाइवा में, और टॉक्सिक कंजक्टिविटिस भी होती होती है, इन्फ्लामेशन कंजक्टाइवा में होता है, और सिक्रेटिकल कंजक्टिविटिस ये भी होती है। तो इतना जान लीजिए आप। और उसके बाद देखिए डिजनरेशन एंड कंडीशन में हम आपको सबसे पहले पेंगुकुला एक डिजीज होती है जो कि कंजक्टिवा डिजनरेटिंग होती कंडीशन होती है कंजक्टाइवा में। उसके बाद पेट्रिगियम में भी एक डिजीज होती है, कंक्रिएशन ये भी मतलब कंजक्टाइवा के किसी भी भाग में होता है, और पेट्रिवियम भी कंजक्टाइवा के किसी भाग में होता है। एम्ब्लियोइड डिजनरेशन ये भी कंजक्टाइवा की एक डिजीज होती है। इसके बाद और नेक्स्ट में सिम्प्टोमेटिक कंडीशन ऑफ द कंजक्टाइवा। तो इसमें सबसे पहले हाइपरीमिया, फिर चिमियोसिस, फिर इचिरियोमोसिस, फिर डिसकलरेशन, फिर नेक्स्ट डिजीज है सिर एक्सरोसिस, अपसिस्ट एंड ट्यूमर। अब ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर मतलब होता है सीधा सीधा कैंसर, ठीक, कैंसर होता है ट्यूमर मतलब। तो ये सारी चीज़ें डिजीज होती है। अब यहाँ देखिए अब आप कार्निया में देखिए, कार्निया में क्या क्या डिजीज होती है। तो कार्निया सबसे पहले हम बता दें, जो आँख का, जैसे हमारी ये आँख है मान लो, तो ये जो आँख में की पुतली हो गई मान लीजिए, अब आँख का जो जो काला काला वाला भाग है, मैं यहाँ से कर करके दिखा रहा हूँ, जो आँख का ये काला काला वाला भाग है, यही आपकी कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है, ठीक। तो कॉर्निया ऑफ द डिजनरेशन में हम आप जान पाएंगे कि एज रिलेटेड कॉर्नियल डिजनरेशन होता है, फिर पैथोलॉजिकल कंट्रोल डिजनरेशन होता है, फिर सेकंड फर्स्ट हेडिंग में यही पढ़ेंगे कॉर्नियल डिजनरेशन में। उसके बाद सेकंड हेडिंग में कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत इपिथेलियम एंड सब इपिथेलियम डिस्ट्रॉफी पढ़ेंगे, बाउंस लेयर्स ऑफ डिस्ट्रॉफी पढ़ेंगे, फिर स्ट्रोमल कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी पढ़ेंगे। डिस्ट्रॉफी मतलब डिस्ट्रॉयड, ख़त्म होना, ठीक। डिसीमेंट मेम्ब्रेंस एंड एंडोथेलियम कॉर्नियल डिस्ट्रॉयड पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी में हम लोग जानेंगे डिसीमेंट मेम्ब्रेंस एंड एंडोथेलियम कॉर्नियल डिस्ट,
19वीं सदी में इक्टायरिक कंडीशन ऑफ द कॉर्निया क्या होती है, केराटोकोनस क्या होता है, केराटो ग्लोबस क्या होता है, केराटोकोनस पोस्टेरियर क्या होता है, इसी के अंदर अगर जानेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग क्या है देखिए, नेक्स्ट रीडिंग के अंतर्गत एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी जानेंगे, मतलब कॉर्नियल ओडीमा जानेंगे, ओडीमा मतलब कि कॉर्निया को मतलब कुछ ना कुछ डैमेज हो। उसके बाद कॉर्नियल ओपेसिटी जानेंगे, ओपेसिटी मतलब यहाँ पर मैं पहले से लिखा हूँ, मतलब डैमेज होना कॉर्निया का शायद है, देख लीजिएगा गूगल से। फिर कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन होता है, फिर कॉर्नियल सर्जरी, कॉर्नियल सर्जरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन इम्प्रिगमेंटेशन। फिर इसमें कैराटोप्लास्टिक, रिफ्रेक्टो कॉर्नियल सर्जरी, फोटोथेरेपिक, कैराटो कैराटोमी एंड कैराटो प्रिस्थ्रोसिस, कैराटो प्रिस्थ्रोसिस, ठीक ये चीज़ जानेंगे डिसीज ऑफ द कॉर्निया में। फिर इसके शुरू शुरू में क्या है, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानेंगे, मतलब अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है। फिर कंजेंटियल एनाटॉमी जानेंगे इसका, फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया, तो कैरेटस कैरेटस मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होगा, कॉर्निया स्प्लेंडर आपकी हो गई, तो उसको ही कैरेटस कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैरेटस, बैक्टीरिया से भी कॉर्निया का इन्फ्लामेशन हो गया, स्पेंड हो गया। हाँ, फंगस कैरेटस, फंगस से इन्फ्लामेशन हुआ कॉर्निया में। वायरल कैरेटस मतलब वायरल से इन्फ्लामेशन हुआ कॉर्निया में, ठीक है। प्रोटोजोआ कैरेटस, प्रोटोजोआ से आपका इन्फ्लामेशन हो गया कॉर्निया में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रोटोजोआ कैरेटस, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ से अगर इन्फ्लेमेशन हो गया कॉर्निया में तो भी मतलब कैरेटस हो जाएगा। अब नॉन इन्फेक्शन कैरेटस क्या होता है, मतलब इन्फेक्शन तो होगा लेकिन इन्फ्लेमेशन तो होगा कॉर्निया में, लेकिन वो एलर्जिक के मीडियम से होगा, तो उसे एलर्जिक कैरेटस कहते हैं। फिर ट्रॉपिकल कैरेटस होता है, फिर न्यूरोट्रॉपिकल कैरेटस होता है, फिर एक्सपोज्योर कैरेटस होता है, फिर पेरिफेरियल अल्सरेशन कैराटोपैथिस होता है, ये भी डिजीज हो गई कॉर्निया की आपके। फिर यहाँ नेक्स्ट हेडिंग में आप देख सकते हैं कि पेरिफेरियल अल्सरेटिव कैराटोपैथिस, ये भी डिजीज होती है कॉर्निया की। फिर मुरल अल्सर भी कॉर्निया में होता है, तो कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसको मुरल अल्सर कहते हैं, ठीक है। फिर रोसिका कैरेटिस, रोसिका कैरेटिस एक डिजीज होती है। फिर नॉन अल्सरेटिव कैरेटिस, अल्सर होगा लेकिन वो नॉन नहीं होगा, मतलब के इन्फ्लेमेशन होगा, तो उसमें से डीप डिजीज है और दूसरा सुपरफेशियल है। तो इसके अंतर्गत हम लोग यही चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। तो हो गया बस।